को गठबंधन बचाना है, उनको गठबंधन बचाना है। मान्यवर, मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर कर हुआ। लगभग लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं, खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर वो आपको देखना है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन, पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीएस ये नीतीश कुमार जी है, जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी कहते थे, मैं पान का बंडवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर, ये साथ में आ गए। साथ में क्यों आए?